लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि कनसानी में 10 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। कुछ बच्चे एम्स में भर्ती हैं, परंतु सरकार 1 लाख का चेक पकड़ाकर इतिश्री करना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जिले के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे है। वहीं पूर्व प्रताप नगर विधायक विक्रम नेगी ने कहा कि सरकार असली दोषियों को बचाना चाहती है, सरकार को दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने घटना में मृत बच्चों के परिवार को 10-10 लाख रुपए व घायलों को 5-5 लाख रुपए देने की मांग भी सरकार से की। यूके लाइव के लिए ज्योति डोवाल की रिपोर्ट। देखिए, लोगों में कल से बड़ी आशा बन गई थी कि प्रदेश के मुखिया हमारे बीच में आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं वो लोग, उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनको उम्मीद और आशा थी कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो कि किसी और के बच्चों को ऐसा शिकार होना पड़े। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद जो पता लगा, घोर निराशा और हताशा जनता के हाथ लगी, और आज पहली बार प्रताप नगर के लोगों को एहसास और आभास हुआ कि जिस सरकार को हमने भारी बहुमत के साथ जिताकर भेजा, उसने जनता का क्या हश्र किया, उसने जनता के साथ क्या भेदभाव किया, आज लोगों को पता चल गया। लोग बहुत दुखी है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंसाली गांव के पीड़ितों के साथ खड़ी है। जो आदेश कंसाली गांव के लोग करेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ संघर्ष करने को तैयार है। कल विक्रम सिंह जी, जो हमारे वहाँ के हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और वहाँ के विधायक रहे, उनके नेतृत्व में गए थे, और मेरे ख्याल से ये बड़ी नियत की क्रूरता है जो कुछ कंसाली वहाँ बच्चों के साथ हुआ। और हमें पूरा विश्वास था, आशा थी कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आ रहे हैं, वहाँ के लोगों के भावों पर मलहम लगाने का काम करेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश में जहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं वहाँ के लोगों के भावों पर मलहम लगाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ विशेषकर टिहरी के और कंसाली के लोगों के साथ मतदान करते चले गए। वो लोगों की जो मांगे थी, न्याय संगत मांगे थी, एक भी मांग उन्होंने पूरी नहीं की है। मेरे ख्याल से कोई अच्छी मानसिकता नहीं है, और जबकि वहाँ तो विधायक भी जो है उन्हीं की पार्टी का है, उन्होंने तो और सांसद भी नहीं है, अब उन्होंने उनकी भी इज्जत नहीं रखी है। ये मानसिकता, इस तरह की मानसिकता की जो है निंदा की जानी चाहिए। हम पूरी तरह से कंसाली के लोगों के साथ हैं, वो जो भी आगे निर्णय लेंगे हम उनके निर्णय के साथ रहेंगे और उसको पूरा समर्थन देंगे।